हाय मेरे भाई लोग, जो है कि मैंने आप सभी से बोला था कि मैं आप सभी के लिए एक न्यू फोटो एडिटिंग का वीडियो लेकर आऊँगा। तो मैं अपना वीडियो लेकर दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों अगर आप लोग को अगर कुछ इस प्रकार का फ़ोटो एडिट करना है तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पूरा फुल वॉच टाइम दोस्तों देखना होगा, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया ट्रिक बताने वाला हूँ कुछ इस प्रकार से एडिट करने के लिए। तो ये मेरे जो आँख में दोस्तों ये मैं लिया हूँ, ये दोस्तों कुछ भी नहीं है, बताया देख क्या है, ये एक बल्ब है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको अपना ये रियल फ़ोटो दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं अपने फ़ोटो को एडिट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों ये वाला, देखिए देखिए यही वाला, देखिए यही मेरा फ़ोटो है, ये वाला देख सकते हैं दोस्तों। ये जो 10 रुपये का बल्ब मिलता है दोस्तों, वही था, मेरे पास ख़राब पड़ा था तो मैंने इस पर बना दिया। तो चलिए हम आपको इसको एडिट करके दिखाते हैं इस फोटो को। तो चलना स्नैपसीड में, क्या है दोस्तों टूल्स में, ट्यून इमेज में, इसमें थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लेना है और एमनेस को इतना कर लेना है दोस्तों, शेडो को हमको इतना कर लेना है। अगर दोस्तों पूरा बढ़िया है देखिएगा तब दोस्तों आप लोग फोटो कुछ ही प्रकार के दोस्तों एडिट कर सकते हैं। टूल्स फिर टूल्स पर डिटेल्स को दोस्तों कुछ इतना ले लेंगे, स्पेयरिंग तो इस पर हम इतना, मैं दोस्तों जैसे जैसे कर रहा हूँ आप लोग साथ में कीजिए तो आप भी लोग कर पाएंगे बहुत ही बढ़िया है। ब्लैक टिप टूल, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा थोड़ा सा ब्लैक है तो हम लोग इसको इतना कर इसका ब्राइटनेस बढ़ा लेंगे इतना। तो इतना दोस्तों करने के बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोग दोस्तों मेरे साथ साथ दोस्तों कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ का हमारा काम खत्म हो गया, अब दोस्तों हम लोग चलेंगे अपने लाइट रूम एप्लीकेशन में। तो मैं अपना लाइट रूम एप्लीकेशन दोस्तों देखिए ले लिया हूँ, देखिए मेरा लाइट रूम एप्लीकेशन है यहाँ पर। मैं दोस्तों शेयर कर लेता हूँ अपने लाइट रूम एप्लीकेशन में, मेरा लाइट रूम एप्लीकेशन में ऐड हो चुका है फ़ोटो, देखिए। तो यहाँ से हमको चलना है ऑल फ़ोटो पर, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर हमारा फ़ोटो है, देखिए तो देखिए कुछ इस प्रकार का मेरा फ़ोटो है। तो यहाँ से दोस्तों लाइट पर चलेंगे हम लोग, इसको इतना रख लेंगे, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और इसको इतना रखेंगे, हाईलाइट को माइनस, शैडो फुल, वाइट पॉइंट को इतना रखेंगे, ब्लैक पॉइंट कुछ इतना रखेंगे दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। फिर हम लोग चलेंगे इफेक्ट पर, टेक्चर बढ़ाएंगे, क्लियरिटी बढ़ाएंगे, ये बढ़ाएंगे, विंग एंड माइनस करेंगे, इसके से डिटेल पर इसमें हम लोग शार्पिंग बढ़ा लेंगे, नॉइज रिडक्शन को इतना, कॉन्ट्रास्ट को इतना, इसका दोस्तों हमको स्मूथ को पूरा बढ़ा लेना है, उसके बाद दोस्तों हम लोग को इसको थोड़ा फुल कर देना है ताकि अभी ये मेरा देखिएगा ये कैसा था और ये कैसा हो चुका है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, देखिए हम लोग डिटेल्स को कम कर देंगे, आप लोग देख सकते हैं, देखिए मेरा कैसा है। चलिए हम कलर पर चलेंगे और यहाँ से दोस्तों इसको कुछ सेटिंग कर लेंगे, तो मिक्स पर दोस्तों जाने के बाद इसको हम लोग बढ़िया से दोस्तों सेटिंग कुछ करना है, इसको हमको माइनस करना है इतना, इसका ब्राइटनेस बढ़ाना है इसको दोस्तों हम लोग को, मैं आपको जैसे जैसे दोस्तों कर रहा हूँ तो उसी प्रकार कीजिएगा, इसको इतना रखना है कुछ, इसको इतना तो इतना क्या दोस्तों, ये हमको माइनस कर लेना है, तो देखिए दोस्तों मेरा माइनस हो चुका है ये सब। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा हो गया है, हम लोग चलेंगे दोस्तों हमने पिक शॉट एप्लीकेशन में शेयर कीजिए, शॉट ऐप ओपन हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ से दोस्तों चलना है आपको अपने हेयर को दोस्तों थोड़ा थोड़ा ऊपर कर लेना है, ये जो हमारा जो नीचे है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, देखिए ये दोस्तों अगर आप लोग इससे करेंगे दोस्तों बहुत बढ़िया हेयर के लिए दोस्तों, देखिए देख सकते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया है दोस्तों हेयर के लिए। तो यहाँ से हमको डन कर देना है, उसके बाद दोस्तों हमको यहाँ पर चलना है और यहाँ से दोस्तों जाने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से दोस्तों जाने के बाद ब्लर पर चलना है, इसको ब्लर कर लेना है, यहाँ से दोस्तों जाना है इनवर्ट पर क्लिक करना है, उसके बाद हमको यहाँ पर चलना है, इस पर जाने के बाद दोस्तों हमको जहाँ जहाँ पर ब्लर चाहिए मैं आपको वहाँ पर दोस्तों अपने हैंड से दोस्तों घुमा लीजिएगा, देखिए जहाँ जहाँ पर दोस्तों आपको ब्लर चाहिए वहाँ पर दोस्तों आप लोग को कुछ इस प्रकार से कर लेना है। तो चलिए मैं अपना थोड़ा स्पीड बढ़ा लेता हूँ, तो भाई आप लोग देख सकते हैं ये मेरा, मैं जल्दी जल्दी कर लिया हूँ तो मेरा बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है, तो हम लोग को दोस्तों डन करना है, देखिए दोस्तों उसके बाद दोस्तों हम लोग को इफेक्ट पर चलना है, इफेक्ट पर दोस्तों जाने के बाद कलर पर जाने के बाद कलर स्प्लैश पर लेकर इसको दोस्तों अपने फेस पर छोड़ देना है, देखिए दोस्तों मैंने अपने इसको फेस पर छोड़ दिया है, उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम लोग डन कर लेंगे,
देखिए डन करने के बाद यहाँ पर ब्यूटी पर तो फिर जाना है। ब्यूटी पर जाने के बाद हेयर कलर, हेयर कलर को देखिए दोस्तों, हेयर कलर फिर हमको इस पर कर देना है। फिर अपना वाइट पॉइंट लेकर दोस्तों जल्दी जल्दी हमको इस पर चला लेना है अपने जहाँ जहाँ दोस्तों आपका स्किन है। चलिए मैं अपना वीडियो थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ। तो भाई आप लोग देख सकते हैं ये मेरा हो चुका है। तो फिर से दोस्तों हम लोग को यहाँ पर चलना है। इसको दोस्तों अमाउंट को दोस्तों हम लोग को 25 पर रखना है। तो देखिए 25-26 पर दोस्तों रखना है। देखिए मैं अपना इतना रख चुका हूँ। तो यहाँ पर हम लोग डन करते हैं और दोस्तों ये मेरा यहाँ पर हो चुका है। फिर दोस्तों हम लोग स्टीकर पर चलेंगे। स्टीकर दोस्तों जाने के बाद हमको ये लेना है। ठीक है दोस्तों, इतना सेट करके हम लोग को इसको इतना कर देना है। तो हम लोग देख सकते हैं उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। फिर स्टीकर पर चलना है। यहाँ पर दोस्तों इस लाइट को ले लेना है। लाइट को दोस्तों लेने के बाद हमको कुछ इस प्रकार सेट कर देना है। सेट कर देना दोस्तों हमको ब्लाइंड पर जाना है, स्क्रीन कर देना है इसको दोस्तों बहुत बढ़िया सेट करना है। यहाँ पर चलना है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर चलना है डुप्लीकेट एक और ले लेना है। इस पर रखना है हमको। देखिए दोस्तों फिर दोस्तों एक बार और चलना है स्टीकर पर, यहाँ पर लेकर फिर ब्लाइंड पर करके स्क्रीन पर, यहाँ पर हमको बल्ब और दोस्तों रखना है। देख सकते हैं हम लोग फिर हमारा बढ़िया हो गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग डन करेंगे। देखिए मेरा डन हो चुका है। तो क्या है हम लोग दोस्तों अपना लोगो भी लगा सकते हैं। ऐड फोटो पर जाना है। ऐड फोटो पर जाने के बाद अपना लोगो ले लेना है। देखिए मेरा लोगो यहाँ पर है तो मैं अपना लोगो ऐड कर लेता हूँ दोस्तों। देखो दोस्तों हम लोग ब्लाइंड पर जाएंगे, इस पर जाएंगे, इस पर हम लोग अपना लोगो यहाँ पर कुछ रख लेंगे। तो मेरा हो चुका है दोस्तों, यहाँ हम लोग डन करेंगे। तो यहाँ से दोस्तों अपने फ़ोटो को दोस्तों आप लोग रिफाई बढ़ा लीजिए तो फिर दोस्तों हमारा बहुत बढ़िया हो जाएगा। आपको यहाँ पर लिखना है 5000 लिखने के बाद 3464 यहाँ पर लिखना है। 3464 यहाँ पर हमको इतना कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमको अपने फ़ोटो को दोस्तों एच डी में सेव करना है। देखिए यहाँ पर जाना है और यहाँ पे दोस्तों सेव कर लीजिए। देखिए तो मैं अपना फ़ोटो सेव कर चुका हूँ तो एच डी में दोस्तों सेव हुआ है पूरा। तो चलिए हम आप लोग से अगले वीडियो में मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए तो आप लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।